आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स दमदार प्रदर्शन कर रही है। आईपीएल के 11वें सीजन में धोनी का बल्ला आग उगल रहा है, लेकिन अब टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। जी हां, चेन्नई के खिलाड़ी मार्क वुड ने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वुड आईपीएल के 11वें संस्करण में चेन्नई का साथ बीच में ही छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट गए हैं, जहां वो काउंटी क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी खुद मार्क वुड ने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। वुड ने अपनी पोस्ट में लिखा, यह फैसला मेरी ओर से इसलिए किया गया ताकि मैं इंग्लैंड लौटकर इंग्लिश समर की तैयारी कर सकूं। मैं स्टेट टीम में वापसी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने सीएसके के लिए सीजन में नहीं खेला है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं ताकि मैं दुरहाम के लिए खेल सकूं और टेस्ट टीम में खुद का चयन करवा सकूं। आपको बता दें कि वुड ने धोनी और टीम का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने टीम में खेलने का मौका दिया। आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड के इस गेंदबाज को चेन्नई ने 1.5 करोड़ रुपए के बेस्ट प्राइस पर खरीदा था। वुड ने इस सीजन में आईपीएल में सिर्फ एक ही मैच खेला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वुड एक भी विकेट नहीं ले पाए थे और साथ में उन्होंने 49 रन भी दिए थे। इसीलिए वुड का ये मैच उनके इस सीजन का आखिरी मैच साबित हुआ। अब खबर यह है कि आरसीबी के मोइन अली और क्रिस वोक्स भी आईपीएल को बीच में ही छोड़कर इंग्लैंड लौट सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक भी जल्द ही इंग्लैंड वापस जा सकते हैं। वायरल की डर न्यूज़।